कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोगों को बेरोजगार रखने की होती है, हमेशा कांग्रेस सरकार गिराने की सोचते हैं। देश में सरकार दो लोग ही चलाते हैं, एक मोदी दूसरे शाह, इनके अलावा किसी और को कुछ पता ही नहीं रहता है क्या होने वाला है। खड़गे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। उन्होंने ये बात रायगढ़ में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में कही। मोदी जी अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी खराब कर देते हैं। कांग्रेस के नरेगा योजना से लाखों लोगों को काम मिला, मोदी जी यहाँ के लोगों और जंगल जमीन के बारे में कुछ नहीं कहते, केवल कांग्रेस सरकार की बुराई करते हैं। मोदी जी केवल कांग्रेस सरकार को कैसे गिराए और कुछ ना कुछ बोलकर बदनाम करने का काम करते हैं। 15 साल में बीजेपी ने क्या किया? धान खरीदी की लिमिट से भी ज्यादा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में की। केंद्र सरकार जो कहती है उससे कई ज्यादा आगे जाकर छत्तीसगढ़ सरकार करती है। कांग्रेस को हम चलाते हैं, देश में सरकार दो ही चलाते हैं, एक तो अमित शाह, उनके अनुष्ठान में लाते हैं, किसी और को पता ही नहीं रहता है क्या होने वाला है। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को धमकी देते हैं, मेरी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी को लगाने की बात कहते हैं। मोदी जी तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय जाते हैं और झूठ बोलकर आते हैं। झूठों के सरदार हैं वो। 2 करोड़ नौकरी किसी को नहीं मिली, 15 लाख भी किसी को नहीं मिली, किसानों की आमदनी 2 गुनी भी नहीं हुई। मोदी जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनती है, लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। 2023 और 24 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जाते हैं। उनके मुताबिक पीएम ने जगदलपुर में कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अगर वो धान खरीदते तो जब डबल इंजन की सरकार थी तो बोनस बंद क्यों किया गया। रमन कार्यकाल में प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। उन्होंने ये बात रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।